जिम्मेदारी हाई कमान की है और हाई कमान ने तीन साल पहले मुझे जिम्मेदारी कर, कर जिस फॉर्मूले की बात कही जा रही थी अब तो वो फॉर्मूला पीछे हटता हुआ दिखाई दे रहा है अब तो तीन साल पूरे हो गए ढाई साल वाली बात ही खत्म तो मतलब बाकी जो लोग सपना देख रहे हैं उनका सपना सपना ही रह जाएगा आप ये कहना चाहते हैं देखिए सपने किसी के पूरे होंगे नहीं होंगे सब लोग देखते हैं उस दिशा में प्रयास करते हैं कुछ लोगों सफलता मिलती कुछ को नहीं मिलती कुछ लोगों को नहीं मिलती है आपका इशारा किसकी ओर है उनको समझ में आ रहा होगा लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि कांग्रेस की जितनी भी राज्यों में सरकारें हैं यकीनन उनमें आप भूपेश बघेल जी को सबसे सफल मुख्यमंत्री के तौर पर जान सकते हैं क्योंकि पंद्रह सालों की बीजेपी की मजबूत सरकार को छत्तीसगढ़ से इन्होंने बाहर किया था और फिर अपनी सरकार बनाई थी अब जब तीन साल का ये खास मौका है भूपेश जी तो वो तीन बड़ी बातें जो आपने छत्तीसगढ़ के लिए की हैं। क्या गिनाना चाहेंगे आप सबसे पहली बात यह है कि किसानों में आत्मविश्वास लौटा है वो ऋण से उऋण हुए और पच्चीस सौ रुपये क्विंटल में जो धान खरीदी का वायदा राहुल जी ने जो किया था छत्तीसगढ़ किसानों को उसे हमने पूरा किया अड़ंगा केंद्र की सरकार ने खूब लगाई फिर भी इनपुट सब्सिडी के माध्यम से वो राशि उनके खातों में पहुंच रही और न केवल धान के बल्कि अन्य जो खरीफ की फसल हैं सब में हम इनपुट सब्सिडी दे रहे हैं जिसका लाभ छत्तीसगढ़ के किसानों को मिल रहा है जो आदिवासियों से हमने वादा किया था कि हम चार हज़ार प्रति मानक बोरा के दर से तेंदू पत्ता खरीदेंगे जो जमीन उद्योग नहीं लगा है उस जमीन को वापस करेंगे लोहाड़ी गुड़ा के उसको हमने पूरा किया और आदिवासियों के आय में वृद्धि करने के लिए पहले केवल सात लघु उनउपज खरीदे जाते थे अब बढ़ के बावन लघु उनउपज हो गए और न केवल उसके एम एस पी में खरीदा खरीदी की जा रही है बल्कि उसका वैल्यू एडिशन करके लोगों को रोजगार दिया जा रहा है तो ये लोगों के जो क्रय शक्ति है छत्तीसगढ़ में उसकी वृद्धि हमने की है चाहे वो मजदूर हो चाहे किसान हो चाहे आदिवासी हो

इनपुट सब्सिडी देने का या बोनस देने के जो अधिकार था वो राज्यों के हैं पहले भी केंद्र सरकार जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो दो बार उन्होंने बोनस दिया था राज्य सरकारें भी देती रही लेकिन जब से 2014 से मोदी जी की सरकार बनी तब से एक आदेश जारी किया गया कोई भी राज्य अब बोनस नहीं देगा यदि बोनस यदि वो देते हैं तो उसके जो अनाज हैं उसको एफ में नहीं खरीदा जाएगा और उसके कारण से राज्य दूसरे रास्ते निकाले हैं जिसको इनपुट सब्सिडी कहते हैं जो भारत सरकार खुद भी दो हजार रुपया जो किसान है उसको दे रहे हैं 6000 छः हजार रुपया मतलब पाँच सौ रुपये महीना जो वो, वो इनपुट सब्सिडी दे रही है उसी प्रकार की इनपुट सब्सिडी अन्य राज्य भी दे रहे हैं मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा इनपुट सब्सिडी देने वाला है जो नौ हजार रूपए प्रति एकड़ है ये तो किसानों की बात हो गई केंद्र से आपकी तनातनी लगातार जारी है पीएम आवास के मुद्दे पर भी अगर योजनाएं वापस दिल्ली लौट कर आ जाएंगे तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि राज्य के राज्य को जो पैसा देना था आपने उस पैसे को देने में आनाकानी क्यों की इससे तो गरीब महरूम रह गया ना आवास से देखिए जहां तक पीएम आवास की बात है जी नाम ही प्रधानमंत्री आवास योजना है और उसमें 40 परसेंट राज्य सरकार दे रही है। तो फिर पीएम आवास कहां रहा दूसरी बात नाम क्या हो जाना चाहिए फिर फिर तो अधिकार राज्यों के भी होना चाहिए जब पैसा हम दे रहे हैं करीब आध, करीब आधा चालीस परसेंट हम दे रहे हैं तो हमको भी अधिकार नाम रखने को होना चाहिए दूसरी बात सलाह दे दीजिए आप हो सकता है आप हाँ, बिल्कुल ये है मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो योजना है उसको हंड्रेड परसेंट किया जाना चाहिए आ, या नब्बे दस के रेशियो में किया जाना चाहिए तब समझ आता है कि हाँ प्रधानमंत्री आवास योजना हो नंबर मतलब एक नब्बे एक दिल्ली एक से जाए और दस फीसदी राज्य सरकार दी आप ये कह रहे हैं एक मिनट के लिए मैं उसे पूरा कर लू जी दूसरी बात यह है कि केंद्र सरकार लगातार राज्यों के जो सेंट्रल एक्साइज का जो हिस्सा है वो नहीं दे रही है हमारे छत्तीसगढ़ में हजारों करोड़ रुपया हम लोगों को नहीं दिया गया जबकि लगातार सीतारामन जी को प्रधानमंत्री जी को लगातार हम लोग पत्र लिख रहे हैं कि हमारे जो सेंट्रल एक्साइज का जो हिस्सा है वो पैसा अभी तक के नहीं मिला है उसको हमको दिया जाए नंबर एक नंबर दो से जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कोल ब्लॉक निरस्त किए थे और उस कारण से बहुत सारे जो प्राइवेट प्लेयर थे उनको पेनाल्टी लगाई गई थी दो रुपया प्रति टन के हिसाब से कोयला में और वो जो राशि है छत्तीसगढ़ में जो इतने खदाने बंद हुए और उसमें लगभग चार हजार एक चालीस करोड़ रुपया हमारा पैसा सेंट्रल पुल में जमा हुआ है उसको रोक के बैठे हैं तो इस प्रकार मैं समझता हूँ कि पंद्रह से बीस हजार करोड़ रुपये हमको लेना है हमको दे दीजिए हम तुरंत शुरू करेंगे हम पी पीएम आवास योजना बंद नहीं किए हैं लेकिन आप एक तरफ हमको पैसा नहीं दे रहे हैं और दूसरे तरफ कहें आप योजना शुरू करें अपना हिस्सा दें ये कैसे संभव हो सकता है

ये तो सार्वजनिक मंच है और इस मंच से मैं सीधा कह रहा हूं कि छत्तीसगढ़ के जो सेंट्रल एक्साइज का जो हिस्सा है उसको केंद्र सरकार रोके बैठी है और चार हजार एक सौ चालीस करोड़ रुपया जो कोल आ, में पेनाल्टी लगा था वो पैसा रोक के बैठे हुए हैं वो, वो, दो हजार चौदह का फैसला है और आज तक ये पैसा नहीं मिला है वो तो पैसा लगातार हम लोग मांग रहे हैं नीति आयोग की बैठक हुई उसमें मांगे प्रधानमंत्री जी के साथ जब भी बैठक हुई वर्चुअल बैठक हुई उसमें हमने कहा सीतारमन जी अभी कुछ दिनों पहले मीटिंग रखी फिर उसमें हम रिमाइंड किए पिछले दिनों कोल मिनिस्टर स्वयं छत्तीसगढ़ आए थे और उन्होंने सहमति व्यक्त की हाँ आपका हिस्सा है जब हमारा हिस्सा उन्होंने मान लिया था हमको देने में तकलीफ क्या है इसका मतलब ये अरंगाबाजी क्यों कर रही है सरकार कांग्रेस इसलिए